हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में नॉर्मल टेक्स्ट को 3D में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पेंट का पेज ओपन है और यहाँ पर हमने 3D टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किया हुआ है। आप इसको अगर हमें 3D में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन है, आपको मिलता है, इस पर क्लिक करिए। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यहाँ से क्लिक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको हमें सेलेक्ट करना है। ये देखिए, हमने यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए ये सेलेक्ट हो गया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबा करके रखिए। ठीक है, ये देखिए, हमने अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन प्रेस कर दिया है और इसको यहाँ से पकड़ करके हमें नीचे ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो चलिए पकड़ करके इसको नीचे ऐसे ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए, तो ये 3D टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी नॉर्मल टेक्स्ट को 3D टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट में।